प्रयत्न द्विविध, प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न पुनः पंचविध स्पष्ट संस्पृष्ट ईसक विवृत विवृत संवृत। अभ्यंतर प्रश्न है पंच विधा अस्ति स्पष्ट है ईसक स्पष्ट है ईसक विवृत है विवृत है संवृत है। स्पष्ट प्रयत्न कथ्यते यत् कालयो मासानां कै वर्ण से लेकर कै वर्ण से म वर्ण पर्यंत वर्णां स्पष्टा कथ्यन्ते ईषद् दृष्टे यम वर्णा यण वर्णा अर्थात य व र ल इति कथ्यते। इस विवृते सल वर्णा स स स ह इत्यादि वर्णा इस विवृते वर्णते। विवृते समस्त स्वरा समस्त स्वरा विवृत प्रयत्न तथा सम प्रयत्न अवग्रह इति कथ्यन्ते। अर्थात प्रयत्न द्विविध प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं अभ्यंतर बाह्य। अभ्यंतर प्रयत्न पुनः पंचधा अर्थात अभ्यंतर प्रयत्न पुनः पांच प्रकार का होता है। स्पष्ट स्पष्ट जिसे हम हिंदी में स्पर्श नाम से जानते हैं इनमें क आदि से लेकर मैं उसान अर्थात पांचों वर्ग कै च त त प ये पांचों वर्ग स्पष्ट अभ्यंतर प्रयत्न में आते हैं। इसके बाद ईषद् स्पष्ट इसके अंतर्गत यण वर्ण अर्थात य व र ल जिन्हें हम अंतस्थ भी कहते हैं ये ईषद् स्पष्ट में आते हैं। ईषद् विवृत ईषद् विवृत में सल प्रत्याहार स स स है अर्थात उसम वर्ण ईषद् विवृत विवृत के अंतर्गत समस्त स्वर इसी के अंतर्गत आते हैं। और संवृत में अवग्रह आधा है आता है। कुछ विद्वान संवृत को न के बराबर मानते हैं अभ्यंतर प्रयत्न की संख्या चार ही बताते हैं। अतः जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो पांच प्रकार का होता है और स्वर तथा व्यंजन का जिस प्रकार वर्गीकरण इसमें किया गया है। इसके बाद बाह्य प्रयत्न आता है। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है। चलो बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं विवारय समारय श्वास घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण उद्दात अनुद्दात स्वरित अर्थात बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं विवारा समारा श्वास नाद नाद घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण उद्दात अनुद्दात स्वरित। इस प्रकार से ये 11 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम इसे अल्प प्राण की महाप्राण की बात करते हैं तो अल्प प्राण के अंतर्गत वर्ग के प्रथम तृतीय पंचम वर्ण तथा य व र ल ये चार वर्ण अर्थात व्यंजनों के
व्यंजनों के 19 वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं तथा महाप्राण के अंतर्गत वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण तथा स स स है आदि वर्ण आते हैं। इनकी संख्या तो 14 होती है। इस प्रकार 33 ही वर्ण अल्प प्राण और महाप्राण वर्ग के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद उद्दात उद्दात स्वर इसके अंतर्गत का है समस्त स्वराणाम समस्त स्वरों का बाह्य प्रयत्न उद्दात उद्दात और स्वर कहलाता है। उद्दात के लिए कहा गया उच्चे उद्दात वे वर्ण जिनका उच्चारण मुख के मुख विवर के ऊपर वाले भागों से जिनका उच्चारण होता है उद्दात कहलाते हैं। अनुद्दात जिनका वर्ण अन ये नीचे आता है तथा स्वर जो समाहार स्वर की संख्या से अभिप्त होते हैं। इसके बाद विवाद समाज समास नाद घोष अघोष इनके अंतर्गत कहा गया है कि खरो खरो विवार विवार श्वास अघोष अर्थात खर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ग का तीसरा अर्थात देखो अर्थात वर्ग के प्रथम दूसरे वर्ण तथा स स स ये वर्ण अघोष के विवाद समास अघोष कहलाते हैं तथा हस प्रत्याहार हस प्रत्याहार अर्थात वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण तथा है ये वह है ल आदि वर्ण स्वाद नाद और गोष इसके अंतर्गत आते हैं। आदि वर्ण इनके आधार पर हम इस रूप में देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 तो इसके अंतर्गत तो 1 3 6 अर्थात द्वार श्वास और अघोष तथा स्वाद नागोष इसके अंतर्गत आते हैं ये वर्ण है। इस प्रकार हम प्रयत्न के बारे में पढ़ते हैं कि प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं अभ्यंतर बाह्य। वे वर्ण यदि किसी भी वर्ण का हम उच्चारण करते हैं तो हमारे द्वारा जो क्या क्या प्रयास है वो प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न दो प्रकार के अभ्यंतर बाह्य अभ्यंतर यानी 5 प्रकार का होता है और ये 11 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से ये प्रयत्न का अर्थात कि हम कह सकते हैं कि प्रयत्न का ये मूल रूप से इस प्रकार वर्गीकरण किया गया है।